देख रहे हैं PLL न्यूज़। मैं राशिद अली, जिला ब्यूरो हेड बहराइच। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज राष्ट्र का चौथा स्तंभ पत्रकार इस देश प्रदेश में सुरक्षित नहीं रह गया है। आज जब हम मीडिया कर्मी कहीं कवरेज पर जाते हैं, किसी मामले को उजागर करते हैं, तो हमको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धमकियां दी जाती हैं, धमकाया जाता है और काम करने से रोका जाता है। मैं ये बताना चाहूँगा और ये मांग करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि मेरे द्वारा न्यूज का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा था, जिसमें बहुत से लोगों के साथ में सरकारी अफसर और कर्मचारी भी उसमें ऐड थे। यही नानपारा में तैनात वन विभाग के कर्मचारी रामानंद मिश्रा ने मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ और हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी की। जब ग्रुप के और भी मेंबरों ने इस पर आपत्ति दिखाई तो मैंने ग्रुप एडमिन होने के नाते उसकी कॉपी निकलवा के कोतवाली नानपारा में कार्रवाई के लिए दी, मगर नानपारा कोतवाली में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब कार्रवाई नहीं की गई तो मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी नानपारा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा और जिलाधिकारी बहराइच और पुलिस अधीक्षक बहराइच को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई। फिर अफसरों के आदेश पर कोतवाली नानपारा में कर्मचारी रामानंद मिश्रा और उसके सहयोगी सूरज मिश्रा के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया। और जब मुकदमा लिख लिया गया मगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा लिखने के बाद भी वो खुलेआम घूमते रहे और दूसरों के जरिए मुझे ये धमकी देते रहे कि मुकदमा वापस ले लो वरना मामला ख़राब हो जाएगा और जो है नुकसान उठा बैठोगे। कुछ दिन पहले मेरे मोबाइल नंबर पर हिंदू आश्रम मुंबई से किसी आचार्य जितेन का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप रामानंद मिश्रा के ऊपर किए केस को वापस ले लें वरना ठीक नहीं होगा। जब मैंने कहा कि केस वापस नहीं लेंगे तो उन्होंने कहा कि अब आपको अपनी जान प्यारी नहीं है और तुमको मार दिया जाएगा और मेरे लोग तुमको मार देंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुमको कुत्ते की मौत मारा जाएगा। मैंने उसकी ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके रख ली और लेकर कोतवाली नानपारा में गया, कोतवाल को सुनाया और उस पर कार्रवाई की मांग की, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर उस ऑडियो क्लिप को लेकर मैं पुलिस अधीक्षक बहराइच जुगल किशोर जी के पास में गया, उनको ऑडियो क्लिप सुनाई और उनसे न्याय की मांग की और सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। मगर तकरीबन एक महीना बीत जाने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके लोग आज भी मुझे धमकियां दे रहे हैं, तरह तरह के धमकियां मिल रही है, मार दिया जाएगा, हाथ पर काट दिया जाएगा, इस तरह से धमकियां मिल रही है। आज बड़े अफसोस की बात है कि जिस देश में